टोंक जिले का माली समाज राजनीति में अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए आने वाली 7 मई को एक बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन को सफल बनाने और उसमें समाज से जुड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाने के लिए तैयारियां भी तेज हो गई। इसी शक्ति प्रदर्शन से पहले माली समाज के नेता कमलेश सिंगोदिया सहित समाज के अन्य पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए माली समाज के नेता कमलेश सिंगोदिया ने दावा किया है कि टोंक जिले के मालपुरा, टोडा, रायसिंह और टोंक सहित 3 विधानसभा सीटों पर माली समाज के लोग चुनावी दावेदारी और नतीजों के हिसाब से निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले माली समाज 7 मई को होने वाले सम्मेलन के जरिए प्रदेश की कांग्रेस और भाजपा जैसे राजनीतिक पार्टियों के सामने अपनी दावेदारी को मजबूत करके साथ में पेश करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि टोंक में माली समाज को मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक समझा जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। माली समाज से जुड़े नेताओं का सीधे तौर पर कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाज जिले की किसी भी एक विधानसभा सीट से टिकट दिए जाने की मांग करेगा और जो भी पार्टी माली समाज के एक उम्मीदवार को टिकट देगी, समाज के लोग जिले की अन्य विधानसभा सीटों पर उसी पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करेगी। नवभारत समाचार, टोंक राजस्थान से केशव राज सेन की रिपोर्ट। किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है समाज द्वारा, क्या खास इस कार्यक्रम में रहने वाला है? सबसे प्रमुख बात तो इसमें रहेगी कि हम दोनों राजनीतिक पार्टियों से, भाजपा कांग्रेस से, चारों में से किसी एक सीट पर इस बार हमारे प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं और हम आग्रह करेंगे दोनों पार्टियों से कि हमें जनसंख्या को देखते हुए, हमारे घनत्व को देखते हुए, क्योंकि चारों विधानसभा सीटों पर ही हम जीत हार का निर्णय करने की शक्ति में आज की तारीख में है, तो हम डिमांड करेंगे। किस तरह का आयोजन आने वाले दिनों में है, क्या रूपरेखा है उसका? 7 मई को हमने राजनीतिक सम्मेलन रखा, पूरे जिले के लोग उसमें बुलाए जा रहे हैं, उसमें पंच पटेल भी होंगे, युवा भी होंगे, महिलाएं भी होंगी और एक डिमांड रखेंगे दोनों पार्टियों से, ओपन मन से हमारी डिमांड होगी कि हमें एक टिकट दिया जाए। क्या वजह है आखिर हमारे समाज को उकार, क्योंकि लगातार उपेक्षित हो रहे हैं हम राजनीतिक दृष्टि से, हमारी उपेक्षा दोनों पार्टियों में लगातार चल रही है। बीजेपी ये सोचती है कि हम उनके पारंपरिक वोट बैंक है, जैसा आप लोगों ने भी कहा, वो इसलिए हमें तवज्जो नहीं देती है। कांग्रेस सोचती है कि हमें वोट देते ही नहीं है, तो अब इस बार हम ये दोनों को दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस वोट लेना चाहती है तो टिकट दे, और बीजेपी की हम ये गलतफहमी भी दूर कर देंगे कि हम उनके पारंपरिक वोट बैंक है, अगर हमें टिकट नहीं दिया तो। क्या इस राजनीतिक सम्मेलन है 7 तारीख को, बिल्कुल आप इसे शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। क्या इस राजनीतिक सम्मेलन में बीजेपी और कांग्रेस के किसी बड़े नेता को बुलावा भेजा गया? नहीं, अगर हम किसी बड़े नेता को बुला लेंगे तो मेहमान को बुलाकर सम्मान देना हमारी संस्कृति का स्वरूप है, तो हम उनसे वहाँ खुल के बात नहीं कर सकते। हमारी बात जभी तो हमने आप लोगों को आमंत्रित किया है कि आप लोगों के माध्यम से हमारी भावनाएं पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचे। आखिरी अल्टीमेटम क्या है दोनों ही पार्टियों को 2018 के बाद से, जिस तरह की चीज़ें साहब आप बता रहे हैं, क्या इतिहास रहा है माली समाज के वोट बैंक का? देखिए, माली समाज के वोट बैंक का इतिहास देखें तो चारों विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग है। परिस्थिति के आधार पे, कैंडिडेट के आधार पे माली समाज ने हमेशा वोट दिया है, लेकिन जहाँ भी दिया एक मुश्त दिया है, जिसके भी पक्ष में गए एक मुश्त गए, तो डेफिनेटली हम अपना वजूद रखते हैं और उस वजूद की हमारी डिमांड है। अगर पार्टी हमें सही स्थिति तो ठीक है, वरना हमारे पंच पटेल निर्णय करेंगे कि दोनों ही पार्टी अगर इस बार में हमें उपेक्षित करती है तो हम क्या करते हैं, वो उसका निर्णय हमारे पंच पटेल करेंगे।